खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। यूपी में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने नारा दिया था कि गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन सत्ता में काबिज होने पर नतीजा असफल रहा। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के थाना मंगलपुर के जगदीशपुर निवासी गजेंद्र सिंह सेंगर के घर के सामने सतोरा प्रधान के परिजन अपनी दबंगाई के दम पर गांव में फैल सकती है भयंकर बीमारी। दबंग प्रधान के रसूख के आगे अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दबंगई के चलते पीड़ित न्याय पाने को दर दर भटक रहा है। उप जिला अधिकारी सिकंदरा आरसी यादव ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक आदेश जारी किया था। इसके बावजूद भी लेखपाल और संबंधित थाने ने कोई भी तत्परता नहीं दिखाई। थाना मंगलपुर क्षेत्र के गांव जगदीशपुर का मामला। ये तहसील कौन सी है? सिकंदरा बोलती है। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यही है, घर के सामने लोग गंदगी डाल रहे हैं। और कौन लोग डालते हैं? ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, अमर सिंह सेंगर और बहादुर सिंह सेंगर। जी, तो उनसे मना किया हमने, तो ये लोग हटाने के लिए तैयार नहीं। अभी बरसात है, कारण से हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। कहीं शिकायत की इसकी? जी, हमने शिकायत भी की है, 276 पे भी कॉल किया। वहाँ से सेक्रेटरी ने आदमी भेजे, उन्होंने हमसे कहा कि अपना ये लेखपाल और पुलिस केस है, ये उनसे बात कीजिए। फिर उसके बाद थाने में एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ से भी दो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा ये लेखपाल का मैटर है, ये लेखपाल से आप बात कीजिए। उसके बाद मैं SDM साहब के पास गया, वहाँ से आर्डर पास कराया, उन्होंने कानून को लेखपाल को SO साहब का आर्डर दिया निस्तारित करने के लिए। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।